नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लास। दोस्तों, कल आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाला मैच रद्द हो गया। वजह थी केकेआर प्लेयर संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती का कोविड पॉजिटिव होना। हालांकि इसके बाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने कॉन्फर्म किया था कि आईपीएल के अगले सभी मैचेज होंगे और तय समय पर ही होंगे। लेकिन इसके बावजूद 8 मई को केकेआर और दिल्ली के बीच होने वाला मुकाबला सवालों के घेरे में है। दरअसल केकेआर के कुछ प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव हैं और केकेआर ने अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही खेला था। आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में केकेआर को शानदार तरीके से 7 विकेटों से हराया था और इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और इसके लिए पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। इस मैच में वरुण चक्रवर्ती केकेआर की टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा थे और मैच के खत्म होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीम के जो कुछ प्लेयर्स थे वो बैठ करके आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इस वजह से अब डीसी को क्वारंटीन होने कहा गया है और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच 8 मई को होने वाला जो मैच है वो सवालों के घेरे में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मुकाबला है वो उसी समय पे होना चाहिए जिसे तय किया गया है या फिर उसे रिशेड्यूल कर देना चाहिए? इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अब आज के मुकाबले के बारे में बात करेंगे। आज का मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस और हैदराबाद की टीम के बीच। दोस्तों, बेहद ही कमाल का और रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने चेन्नई के खिलाफ जिस तरीके से चेज किया, एक विशाल स्कोर का 200 प्लस का स्कोर था और उसे बहुत ही धमाकेदार तरीके से जीत लिया मुंबई इंडियंस की टीम ने, तो बहुत ही ज़्यादा दमखम के साथ मुंबई इंडियंस आ रही है इस मुकाबले को खेलने के लिए। और साथ ही हैदराबाद की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है अब तक और इस वजह से इस मैच में निश्चित तौर पर एरी चोटी का जोर लगा देंगे हैदराबाद की टीम और पूरी संभावना है कि ये जो मुकाबला है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और साथ ही क्रिकेट के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ। लव यू ऑल।